तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कॉन्टेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहे ताकि वैक्सीन दे वैक्सीन वेस्टेज न जाए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से जितना परसेंटेज वेस्टेज होता है हम किसी के अधिकार को बर्बाद कर रहे हैं। हम किसी के अधिकार को बर्बाद करने का हमें हक नहीं है। स्थानीय स्तर पर प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। वैक्सीन वेस्टेज जितनी रुकेगी, और मैं तो चाहूंगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टारगेट से काम शुरू करना चाहिए। हमारे यहां वेस्टेज नहीं होने देंगे, एक बार कोशिश करेंगे तो इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। उतने ही ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और दूसरे एलिजिबल लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज पहुंचाने के हमारे प्रयास सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे इन सामूहिक प्रयासों और रणनीतियों का अमल जल्दी हमें दिखाई देगा और उसका परिणाम भी नजर आ गया। अंत में मैं कुछ बिंदु फिर एक बार दोहराना चाहता हूं ताकि हम सभी इन विषयों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसे नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश वगैरह भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफॉइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं वे इन इन चीजों को नहीं खाना, ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए, और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। दूसरा जो विषय मैंने कहा, आरटीपीसीआर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवश्यक है ताकि नए केसेस की पहचान तुरंत हो सके। स्थानीय प्रशासन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की दिशा में हमें आग्रह करना चाहिए, वो वहीं पर काम तेजी से करें, हम बहुत तेजी से रोक पाएंगे ताकि संक्रमण का दायरा फैलने से रोकने में वो मदद करेगा। वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, वो प्राइवेट हो सरकारी हो, जितना जैसा आपने मैप देखा होगा वो आपके लिए भी राज्यवार भी बनाया, वो शुरू में जो ग्रीन डॉट वाला बताया था, और देखने से ही पता चलता है बहुत सारे इलाके हैं कि जहां लाइट ग्रीन लग रहा है, मतलब कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर उतने नहीं है और या तो एक्टिव नहीं है। देखिए, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर रही है, हम बहुत आसानी से डे टू डे चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका हमें फायदा तो लेना है लेकिन उसमें उसके आधार पर हमें इम्प्रूवमेंट करना है। हमारे जितने सेंटर्स प्रोएक्टिव होंगे, मिशन मोड में काम करेंगे, वेस्टेज भी कम होगा, संख्या भी बढ़ेगी और एक विश्वास तुरंत बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसको बल दिया जाए। साथ ही एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये वैक्सीन निरंतर प्रोडक्शन हो रहा है और जितना जल्दी हम इससे बाहर निकले हमें निकलना है, अदरवाइज ये एक साल, दो साल, तीन साल तक खींचता चला जाएगा। एक मुद्दा है वैक्सीन की एक्सपायरी डेट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी, और इसलिए मुझे लगता है कि अवॉइडेबल वेस्टेज से तो हमें बचना ही चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये लॉट हमारे पास जो है इसकी एक्सपायरी डेट ये है, हम सबसे पहले इसका उपयोग कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है। और इन सभी बातों के साथ
इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जो मूलभूत कदम है, जैसा मैं कहता हूं, दवाई भी और कड़ाई भी, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन हो या सोशल हाइजीन, पूरी तरह उसको बल देना पड़ेगा। ऐसे कई कदम जो पिछले 1 साल से हम करते आए हैं, फिर से एक बार उसको बल देने की जरूरत है, फिर से इस बार आग्रह करने की जरूरत है, उसमें हमें कड़ाई करनी पड़े तो करनी चाहिए। जैसे हमारे कैप्टन साहब कह रहे थे कि हम कल से एक बड़ा कड़ाई करने का मूवमेंट चला रहे, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हम सबने इस दिशा में हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इन विषयों पर लोगों की जागरूकता बनाए रखने में हमको सफलता मिलेगी। मैं फिर एक बार आपके सुझावों का लिए धन्यवाद करता हूं, और भी जो सुझाव है आप जरूर भेजिए। जो हॉस्पिटल के विषय में जो आज चर्चा निकली है, आप 2-4 घंटे में ही सारी जानकारी दे दीजिए, ताकि मैं शाम को 7-8 बजे के आसपास मेरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ रिव्यू करके इसमें से अगर कोई बॉटलनेक है तो उसको दूर करने के लिए कोई आवश्यक निर्णय करने होंगे तो हेल्थ मिनिस्ट्री तुरंत कर लेगी और मैं भी उस पर ध्यान दूंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि हम अब तक जो लड़ाई जीतते आए हैं, हम सबका सहयोग है, एक एक हमारा कोरोना वॉरियर का सहयोग है, उसके कारण हुआ है। जनता जनार्दन ने भी बहुत कोऑपरेट किया है जी, हमें जनता से जूझना नहीं पड़ा है। हम जो भी बात लेते गए, जनता ने विश्वास किया है, जनता ने साथ दिया है और भारत विजयी हो रहा है 130 करोड़ देशवासियों की जागरूकता के कारण, 130 करोड़ देशवासियों के सहयोग के कारण, 130 करोड़ देशवासियों के कोऑपरेशन के कारण। हमें जितना जनता जनार्दन को इस विषय पर फिर से जोड़ पाए, फिर से विषय को बताएंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि जो अभी बदलाव नजर आ रहा है, हम उस बदलाव को फिर से एक बार रोक पाएंगे, फिर से हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आप सबने बहुत मेहनत की है, आपके पास इसके एक्सपर्टाइज टीम बन चुकी है, थोड़ा आप डेली एक बार दो बार पूछना शुरू कर दीजिए, सप्ताह में 1-2 बार मीटिंग लेना शुरू कर दीजिए, चीजें अपने आप गति पकड़ जाएगी। मैं फिर एक बार बहुत शॉर्ट नोटिस में आप सबको आज की मीटिंग मैंने ऑर्गेनाइज की, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला और बहुत विस्तार से अपनी सारी जानकारियां दी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।